Dear students, welcome to Gates Measures. इस वीडियो में explain करने जा रहा हूँ Unix Inode structure. इस वीडियो में Unix Inode structure से related सारे important point मैं आपको explain करूँगा और इसके अलावा एक question भी आपको explain करूँगा जिससे आपको idea हो जाए कि what type of question can be asked. तो theory भी numerical भी each and every aspect जो है वो cover हो जाएगा. तो guys फटाफट से वीडियो को like कर दें, channel को subscribe करें अगर अभी तक आपने नहीं किया और अगर कर भी दिया है तो और devices से subscribe कर सकते हो, share कर सकते हो, बहुत जरूरी है subscribers. तो चलिए start करते हैं. Unix Inode की अगर हम बात करें तो Unix आपका क्या है? Operating system. वो use करता है Inode file system, मतलब files को, files के अंदर जो data है उसको properly maintain रखने के लिए, store करने के लिए हम लोग किसको use करते हैं? Inode. अब इसमें I क्या है? Index. और node मतलब आपका जो block है. तो देखो यहाँ पे हमने, मैंने आपको last video में आपको 7.6, मैं आपको lecture number भी बता देता हूँ. operating system की playlist में आप 7.6 lecture में जाओगे तो indexed allocation से related सारे point हमने discuss किए थे. तो उसमें मैंने आपको बोला था कि यार होता क्या है ना कि अगर फाइल का साइज बहुत बड़ा है तो जब हम उस फाइल को ब्लॉक्स में स्टोर करते हैं, जब हम उस फाइल को डिस्क के ब्लॉक्स में स्टोर करते हैं और उसका आगे इंडेक्स क्रिएट करते हैं ना, तो ऑब्वियसली इंडेक्स भी काफी बड़ा बन जाता है. जब इंडेक्स काफी बड़ा बन जाएगा तो उसको एक ब्लॉक में, एक डिस्क के ब्लॉक में स्टोर करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता. तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीपल डिस्क ब्लॉक्स लगाते हैं. तो जिसकी वजह से जो इंडेक्स एलोकेशन स्कीम है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो आपका बिल्कुल वैसे ही बन जाती है जैसे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग की तरह. तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, यूनिक्स आईनोड कहता है कि अब जो ये आईनोड है, ये आपका क्या है, आईनोड है, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, उस ब्लॉक में, इंडेक्स ब्लॉक में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, हाइब्रिड अप्रोच हम यूज कर रहे हैं. हाइब्रिड अप्रोच का मतलब क्या है, हम इसमें एट्रीब्यूट स्टोर कर रहे हैं. एट्रीब्यूट्स हम वैसे भी स्टोर करते हैं. एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, मेटा डेटा, डेटा से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड अ एट्रीब्यूट. मतलब लास्ट मॉडिफाई कब किया था, परमिशंस क्या है, फाइल का नाम, फाइल का साइज, फाइल का पाथ, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइल वो हमने यहां पे स्टोर कर दी. बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन डायरेक्ट ब्लॉक, डायरेक्ट ब्लॉक का मतलब क्या है, हमने यहां पे क्या स्टोर कर लिए, पॉइंटर्स, पॉइंटर्स डाल दिए. वो पॉइंटर्स डायरेक्टली किसको पॉइंट कर रहे हैं, डेटा ब्लॉक्स को. मतलब जैसे आपकी एक फाइल है उस फाइल को हमने डिस्क के ब्लॉक्स में डाल दिया. अब किस किस ब्लॉक में डाला था उनका जो एड्रेस है वो हमने डायरेक्ट ब्लॉक में स्टोर कर दिया, इसीलिए इसका नाम ही डायरेक्ट है. डायरेक्ट का मतलब क्या है, यहां पर जो आपको पॉइंटर मिल रहा है ना वो पॉइंटर आपको डायरेक्टली डेटा ब्लॉक पे लेके जा रहा है. देन सिंगल इनडायरेक्ट, सिंगल इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट यहां पर आपको पॉइंट दे रहे हो. तो सिंगल और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि यहां से आपको एक ब्लॉक पे जाओगे, आप एक डेटा ब्लॉक पे जाओगे, वो डेटा ब्लॉक आपको डेटा नहीं देगा, वो डेटा ब्लॉक आपको देगा पॉइंटर्स, एड्रेसेस, एड्रेसेस बोल सकते हो, पॉइंटर बोल सकते हो, बात एक ही है. वहां पे आपको मिलेंगे क्या, पॉइंटर्स या एड्रेसेस. वो पॉइंटर आगे आपको कहां पे लेके जाएंगे, डेटा ब्लॉक में लेके जाएंगे. तो कहने का मतलब क्या है, पहले मेरे डायरेक्ट ब्लॉक हो गए जो डायरेक्टली डेटा ब्लॉक पे लेके जा रहे हैं, फिर हमारे पास इनडायरेक्ट हो गया सिंगल, पहले आप पॉइंटर पे गए, वो पॉइंटर से आगे आप डेटा ब्लॉक पे गए. देन हमारे पास आ जाता है डबल इनडायरेक्ट. डबल इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, डबल, टू टाइम्स, मतलब यहां से आप एक ब्लॉक पे गए, मतलब डेटा ब्लॉक पे गए, उस डेटा ब्लॉक ने आपको डेटा नहीं देना, वहां से आपको मिलेंगे पॉइंटर्स, उस पॉइंटर से आप जाओगे अगेन एक डेटा ब्लॉक पे, वहां पे भी डेटा नहीं मिलेगा, वहां पे भी मिलेगा आपको पॉइंटर, देन आपको मिलेगा डेटा. तो दैट्स व्हाई डबल, डबल मतलब यहां से गए पॉइंटर, पॉइंटर से गए पॉइंटर, पॉइंटर से मुझे क्या मिला, डेटा. और फिर फाइनली आता है हमारा ट्रिपल इनडायरेक्ट. अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो हमें ट्रिपल इनडायरेक्ट भी बनाना पड़ता है, वैसे तो डबल इनडायरेक्ट तक काम चल जाता है लेकिन आपको क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकते हैं. तो ट्रिपल इनडायरेक्ट फंडा वही है, तीन यहां पे स्टेप्स हो गए. तो यहां पे हमें एक पॉइंटर मिला, एड्रेस मिला, हम उस डेटा ब्लॉक पे गए, वहां से मुझे पॉइंटर मिलेगा, एक और एड्रेस मिलेगा, हम उस एड्रेस पे गए, वहां से एक और एड्रेस मिलेगा, हम उस एड्रेस पे गए, और फिर वो एड्रेस मुझे डेटा ब्लॉक पे लेके जाएगा. दैट्स व्हाई तीन स्टेप है, 1, 2, 3, वहां से मुझे क्या मिला, डेटा. यहां पे डायरेक्ट डेटा, यहां पे एक स्टेप पे गए फिर डेटा, यहां पे दो स्टेप पे गए फिर डेटा. दैट्स व्हाई दिस इज हाइब्रिड अप्रोच. तो इसको बोलते हैं हम क्या,
Inode, getting the point? तो इस तरीके से आपको question जो है वो पूछा जा सकता है. तो theory में आप ये सारे point जो है वो note कर सकते हो, ये diagram each and every point note कर सकते हो. अब देख लेते हैं फटाफट से एक numerical. A file system uses the Unix Inode data structure. Data structure ही हो गया ना, क्योंकि ये actual में how we are storing the data, वो structure आपको इस तरीके से define जो है वो की हुई है. 8 direct block है, 1 indirect, 1 double and 1 triple indirect आपको दिया हुआ है. The size of each disk block is 128 byte and size of each block address is 8 byte. Find the maximum possible file size. मतलब मेरे को file का size निकालना है कि original file का size कितना है. Unix Inode का मेरे को इस तरीके से उन्होंने पूरा structure दे दिया. अब देखो, सबसे पहले 8 डायरेक्ट ब्लॉक है, मतलब यहां पे मेरे पास जो कितने डायरेक्ट ब्लॉक है 8, यानी ये मेरे को 8 ब्लॉक कहां पे लेके जा रहे हैं, सीधा डेटा ब्लॉक्स पे लेके जा रहे हैं, मतलब डिस्क के ब्लॉक्स पे लेके जा रहे हैं. तो यहां से आपको सिंपली पता लग गया मेरे पास कितनों को पॉइंट कर रहा है, कितने डेटा ब्लॉक्स को पॉइंट कर रहा है, 8 डेटा ब्लॉक्स को पॉइंट कर रहा है. अब हर एक कितने साइज का है, 128 साइज का है. तो अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले आप सारे एड्रेसेस निकाल लो, पहले तो आप सारे निकाल लो कि कितने टोटल पॉइंटर्स हैं. तो 8 आपके डायरेक्ट पॉइंटर्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं सिंगल इनडायरेक्ट. सिंगल इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, सिंगल इनडायरेक्ट पहले आपको एक डिस्क ब्लॉक पे लेके जा रहा है, उसके अंदर पॉइंटर्स है, वो पॉइंटर्स आगे आपको डेटा पे लेके जा रहे हैं. तो यहां पे आपको क्या निकालना है, यहां पे हमें निकालना है कि ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक में कितने पॉइंटर्स है, तभी मेरे को पता लगेगा ना, तभी वो आगे मेरे को बताएगा कि कितने डेटा ब्लॉक्स पे वो लेके जा रहा है. तो यहां पे मेरे को कैसे निकालोगे, यहां पे निकालने का तरीका क्या है, वही सेम. यहां से मेरे को सबसे पहले देखो, ईच ब्लॉक साइज, डिस्क का जो ब्लॉक साइज है वो कितना दिया हुआ है, 128 बाइट, मतलब एक जो डिस्क का ब्लॉक है ना वो 128 बाइट का है, 128 बाइट का है. और हर एक बाइट, मतलब हर एक डिस्क ब्लॉक में एक एड्रेस का साइज कितना है, 8 बाइट. तो यानी आप क्या निकाल रहे हो, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर्स इन वन डिस्क ब्लॉक, टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर्स इन वन डिस्क ब्लॉक, वन डिस्क ब्लॉक आप निकाल रहे हो. कैसे निकालोगे, वन डिस्क का जो ब्लॉक है वो कितने साइज का है, 128 बाइट का, और एक एड्रेस, एक पॉइंटर का साइज है 8 बाइट. तो आपके कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर्स आ जाएंगे. तो आप इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा ये, 16, 2 रेज टू पावर ये 7 होता है, डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3, मतलब 2 रेज टू पावर 4, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, 16. तो यानी ये जो सिंगल इनडायरेक्ट है ये आपको जहां पे लेके जा रहा है ना, वो 16 पॉइंटर्स को शो कर रहा है, वो 16 पॉइंटर्स आगे डेटा ब्लॉक्स को शो कर रहे हैं. तो लो जी, 16 हमने ऐड कर दिया. अब आपको डबल इनडायरेक्ट निकालना है, एक डबल इनडायरेक्ट है, ध्यान रखना एक डबल है, एक ट्रिपल है और एक ही इनडायरेक्ट है. अगर दो दो होते तो हम उसी हिसाब से उतने ले लेते. तो यहां पे मेरे पास डबल इनडायरेक्ट, देखो अब ये 16, कहानी तो वही सेम ही है ना, यहां पे मेरे कितने आए, 16. कैसे, एक पूरा डिस्क का जो ब्लॉक है वो 128 बाइट का है और एक पॉइंटर इसके अंदर 8 बाइट का है. तो यानी ऐसे कितने पॉइंटर्स आएंगे, 16. अब ये 16 आगे देखो, ये 16 का जो पहला है वो 16 को, 16 का जो दूसरा है वो आगे 16 को. तो यानी ये जो टोटल 16 है वो आगे 16 को शो कर रहे हैं. तो कितने हो गए मेरे, 16 into 16, getting the point, double के केस में 16 into 16. then triple, देखो 16 pointers, ये 16 में से जो पहला होगा वो आगे 16, उस 16 में से जो पहला होगा वो आगे 16. तो यानी कितने हो गए यहाँ पे, 16 की पावर 3, मतलब 16 into 16 into 16. तो ये इतने तो आपके क्या आ गए, ये टोटल आपके आ गए एड्रेसेस, टोटल आपके आगे पॉइंटर्स. अब हर एक आगे पॉइंटर किसको शो कर रहा है, डेटा ब्लॉक को, फाइल का जो एक्चुअल में डेटा है वो एक्चुअल में यहां पड़ा है. तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 128 बाइट का. तो लो जी, बस इसको आप पूरे को सॉल्व कर लो, दैट इज द साइज ऑफ द फाइल. तो इसको सॉल्व करने के लिए करना है क्या आपको, यहां पे 8 plus 16 plus 16 into 16 plus 16 into 16 into 16, ये बन गया आपका. और मल्टीप्लाई में क्या है, 128 बाइट है, ध्यान रखना बाइट है. तो यहां पे आप 8 जो है वो कॉमन ले लो, 1 plus 2 plus 2 into 16 plus 2 into 16 into 16 into 128 बन गया, 128 बाइट ही लिख लो. तो ये 8 into 128 बाइट, ये क्या है, 2 raised to power 7, ये होता है 2 raised to power 3. तो 128 into 8 करोगे तो 1024, that is किलो बाइट बन गया.
क्या बन गया किलोबाइट. अंदर वाले को सॉल्व कर लो, तो अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो ये 32 34 + 1 35 + 16 × 16 256 × 2 512. तो इस पूरे को सॉल्व कर लो तो ये आपका बन गया 547 किलोबाइट. किलोबाइट तो आपका साथ में आ ही गया. ये पता लग गया ना आपको, 8 into 128 को मल्टीप्लाई करोगे तो किलोबाइट बन जाएगा ना, 1024 बन गया. तो उसको हमने किलोबाइट लिख लिया, अंदर वाले को सिंपली सॉल्व कर लिया, तो ये आपका फाइल का साइज आ गया. दिस इज हाउ वी एक्चुअली डिफाइन द यूनिक्स आईनोड. इससे ज्यादा आपको कहीं पे नहीं पूछेंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. दिस इज मोर देन सफिशिएंट. थैंक यू.